ऐसे बच्चे जिन्हें जन्म से सुनाई नहीं देता था, इसलिए वे बोल नहीं पाते थे। उनके इलाज के लिए अब एम्बा अस्पताल में कॉक्लियर इम्प्लांट इसी महीने से शुरू होने जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक ऐसे 4 बच्चों का चयन किया गया है जिनके ऑपरेशन के लिए भोपाल से डॉक्टर आएंगे। संभवतः इसी महीने उनके ऑपरेशन होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बाल श्रवण के प्रति की इलाज के एक मिशन है, जिसमें बच्चों को ऐसे जो जन्म से ही जिनमें सुनने में दिक्कत होती है नर्व की डिफेक्ट की वजह से, तो ऐसे बच्चे चूंकि उन्होंने कभी आवाज सुनी ही नहीं होती है तो वो बोल भी नहीं पाते हैं, क्यों आवाज का परसेप्शन नहीं रहता है। तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनमें कुछ मशीन हम लोग इम्प्लांट करते हैं जिसको कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं, उसके द्वारा फिर बच्चा सुनने लगता है और उसकी श्रवण शक्ति डेवलप हो जाती है। जब वो सुनेगा तो फिर आगे बोल भी पाएगा। ये हम लोग इस ऑपरेशंस को हम लोग प्लान कर रहे हैं, संभवतः इसी महीने हम लोगों ने 4 बच्चे अभी चिन्हित किए हैं जिनको वर्कअप किया जा रहा है और जैसे वो फिट आते हैं तो हम लोग आगे उनके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट्स के लिए अलग से ओटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।